हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुब्रतो स्टार्किंग मोबाइल यूट्यूब चैनल में फिर से और एक नया वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग दिखाएंगे कि देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे शॉप वाले हैं जो फॉल्ट फाइंडिंग तो कर लेते हैं, मोबाइल का प्रॉब्लम भी सही से पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आईसी का जो रिवॉल्विंग है उसके अंदर उस लोगों का दिक्कत आती है। तो 110% आती है, बहुत सारे लोगों की आती है, आईसी रिवॉल में बहुत सारा दिक्कत आती है। तो चलिए आज हम इस तरह से आपको समझाएंगे वो आईसी रिवॉल्विंग आपके लिए बिल्कुल इजी काम हो जाए, इस तरह से हम काम को आपको आज दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए, लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो के फर्स्ट से अंत तक जरूर बने रहे, तब जाके आपको समझ में आएगा आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको जो है नोटिस करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मेरा बताया गया ट्रिक से अगर आप करेंगे तो 110% आपका कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा, 110% आपका हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते जो है, एक हमारा EMMC है, तो आज हम इसको जो है रिवॉल्विंग करेंगे, आप लोगों के सामने दिखाएंगे। तो ये जो सेट है हमारा पोको X3 का, एक पॉपुलर सेट है, तो ये वाला आईसी को हम जो है अभी रिवॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को अच्छी से दिखाने के लिए मैं कोशिश किया है कि माइक्रोस्कोप के कैमरा में आप लोगों को दिखाया जाए। तो चलिए हम सीधा माइक्रोस्कोप के कैमरा में आ जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका जो रिवॉल्विंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए, वीडियो को वही बता रहा हूँ, वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखिए, तब जाके आपको इसको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस EMMC को रिवॉल्विंग करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का पेस्ट यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी की पेस्ट देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो। चलिए यहाँ पर ये जो EMMC है इसके अंदर हमने थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट फ्लक्स लगा लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हल्के हाथों से इसको जो है क्लीन करना है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको क्लीनिंग कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के लिए क्या दोस्तों आपको हल्के हाथों से क्लीन कर लेना है। देखिए हमारा क्लीन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है विक के थ्रू, ठीक है, जो हमारा विक आता है उसके थ्रू आपको इसको और एक बार क्लीन कर लेना है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत रहेगा वो भी निकल आ जाए, ठीक है। तो हम विक को ले लिया है, अभी देखते रहिए वीडियो को, मेरे टिप्स को फॉलो करिए, 110% आपका एक बार ही में आईसी जो है रिवॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो मेन चीज़ है उसको छुपा देती है, वीडियो के अंदर नहीं कहती है, तो मेरे इस वीडियो में बने रहे, सारा कुछ डिटेल्स हमें अभी बताऊंगा आपको जो कहां पर ये सर सब लोग करता है ऐसा, लेकिन फिर भी वहां पर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मेरा दिया गया ट्रिक जो दे रहा हूं अभी, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। वीडियो में बने रहे, ट्रिक आपको दे दूंगा, वीडियो को अंत तक देखना है, वही है बात, उसके अंदर मैं ट्रिक ज़रूर आपको दूंगा। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा हो गया, अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आईसी जो है हमारा किस तरह से दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आईसी अब जो है क्लीनिंग हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया। तो अभी देखिए, अब हमको क्या करना, ये जो है टिशू के ऊपर रखना है, ठीक है। हमारे ये जो है हमारा स्टेंसिल है, तो इसको सबसे पहले जिस वाले पर लगेगा उसको क्लीन कर लेना है आपको। तो चलिए हम सबसे पहले तो क्लीन कर लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं जहाँ पर हमारा आईसी के ऊपर इसको बिठाना है, ठीक है। टी के ऊपर आपको स्टेंसिल को धीरे से ले जाकर बराबर में बिठा देना है, ठीक है, ना इधर ना उधर, बिल्कुल बीचों बीच आपको बैठाना पड़ेगा, जो भी आप CPU करें या MMC करें। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लीन आ गया है, हर एक बॉल हमको अच्छी से दिखाई देती है। आप जो ट्रिक जो है वो जो मैं देने जा रहा हूँ उसको आप देखिए समझिए कि आप गलती कहाँ पर करते हो, ठीक है। गलती को आपको सुधारना है तो 110% आपका काम हो जाए। दोस्तों ये जो PPD है, हमने जो इस वाले ये वाले जो PPD हम यूज करते हैं दोस्तों, इसको हम क्या सीधा अप्लाई कर देते हैं। तो आपको सीधा अप्लाई नहीं करना है, आपको इस कुछ कुछ भी एक कॉटन को लेना है, कॉटन के ऊपर आपको इस PPD को सुखा लेना है, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। देखिए ये ट्रिक आप अगर करेंगे ना दोस्तों, 110% आपका 100% आपका होगा ही होगा। देखिए PPD को हमने सुखा लिया, अब इसके अंदर कोई भी पेस्ट नहीं है, तो इसको जो है आपको अप्लाई करना है आप। तो देखिए हमने थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो फिर से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा बीचों बीच आ गया, आप सूखा PPD को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये ट्रिक देखिए, कोई नहीं कहता है कि आप सूखा PPD को जो है थोड़ा सा गीला PPD को आप सुखा लीजिए, कोई नहीं कहता है। तो देखिए मैंने कह दिया है कि इसको सुखा कर आपको देना है, ठीक है, फिर भी थोड़ा रुकिए। और उसके बाद और एक ट्रिक है, उसको भी आपको करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सूखा PPD दे दिया, अब इसको क्लीन कैसे करता है ना, ये इसको ही एक बार
ऊपर में ऐसे कर क्लीन कर देता है। नहीं दोस्तों, इसको भी आपको एक ट्रिक के थ्रू करना है, जैसे कि उसको ऊपर जो है थोड़ा बहुत पीला कॉटन के थ्रू आपको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाले ट्वीज़र को दोनों साइड में लगा देना। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक है, देखिए ऐसे दोनों साइड पर आपको लगा देना। इसमें भी एक ट्रिक है, आपको ज़्यादा प्रेस अगर कर देंगे ना तो बॉल जो है आपका बाहर आ सकती है, एक दो बॉल आपका बाहर आ सकती है, आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, जस्ट आपको हल्का हाथों से लगाए रखना है, ठीक है। तो SMD को आप क्या करेंगे, ईयर को जो है बिल्कुल जीरो कर दीजिए। देखिए ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इसमें आपका बिल्कुल 110% ईजिली हो जाएगा। आप ईयर को बिल्कुल जीरो कर दीजिए, हीटिंग को आप अप्रोक्स मान लीजिए, आपका SMD कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी आप मान लीजिए आप 280 से 300 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें जो रिबॉलिंग हुआ है इसमें मतलब परफेक्ट हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बॉल बाहर नहीं आया है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस तरह से अगर आप रिबॉल करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इसमें सारा कुछ ही ट्रिक है, ठीक है। और भी अच्छी से अगर रिबॉलिंग करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए मैं किस तरह से करूँ। इसमें आप सिंगल बार में ही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ये जो सेट है ये पोको का सेट है तो इसके अंदर बहुत बार इशू आता है, जो कनेक्शन नहीं होता, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि बॉल को जो है बिल्कुल परफेक्ट ही करना चाहता हूँ, जो हमको दोबारा इसमें काम करना नहीं पड़े, ठीक है। रिबॉलिंग का फुल मेथड यही है कि आप एक बार में मत देखिए हो जाता है, छोटा मोटा IC है तो एक बार में हो जाता है, लेकिन जब आप बड़े IC को काम करेंगे तो इसके लिए आपको दो बार कर लेने से आपका कोई रिस्क नहीं रहता कि मिस हो जाए एक आध बॉल, तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए वही सेम प्रोसेस रहेगा, हीटिंग भी वही, यार भी वही, और मैं ट्रिक जो देने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं कौन सा SMD यूज़ कर रहा हूँ उसको भी दिखाऊँगा। यूज़ करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे SMD है, लेकिन जो जिस काम के लिए है उस SMD को हम उसी काम में लेते हैं। देखिए एक एक करके बॉल जो है हमारा 110% इसमें इजीली हो जा रहा है, कोई भी बॉल बाहर नहीं आया है। इसमें देखिए हर एक बॉल जो है हमारा वो सही से हुआ है, कोई भी बॉल बड़ा या छोटा नहीं है। SMD कौन सा है उसको देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको दिखना है। तो देखिए IC को हमने बाहर कर लिया, अभी भी हमारा रिबॉल का जो फुल प्रोसेस है वो सक्सेस नहीं हुआ है। इसके लिए आपको देखिए और एक ट्रिक मैं देने जा रहा हूँ। अब IC को जब भी बाहर कर लेंगे तो उसके बाद ना दोस्तों थोड़ा सा इसमें थिनर लगा दीजिए, थिनर लगा के आपको जो है इसको क्लीन कर लेना है अच्छे से। देखिए IC से इसको अच्छे से क्लीन हो गया। अब हम इसको देते हैं फाइनल रिजल्ट, जो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें PPD लगा कर और इसको कर देते हैं थोड़ा सा हीट, ठीक है। तो हमारा काम जो है रिबॉलिंग का जो काम है वो हमारा हो जाएगा सक्सेस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार ही में ये जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई भी इशू वगैरह नहीं आएगा, कोई भी बॉल जो है बड़ा बॉल या छोटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हर एक बॉल हमारा 110% इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल एक एक बॉल जो है हमारा राउंड होगा अच्छे से होगा। तो वीडियो में फर्स्ट से अंत तक आपने देखा कि किस तरह से हमने IC को रिबॉलिंग किया है, और इस मेथड से अगर आप करेंगे दोस्तों मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। देख लीजिए हमारा अब जो है हमारा रिबॉलिंग कंप्लीट हो गया है, एक एक बॉल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो एक एक बॉल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने हर एक बॉल को एक्यूरेटी दिया है। तो इसमें बेझिझक आपका देखिए एक एक बॉल हमारा लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक बॉल जो है हमारा परफेक्टली बना है, कोई भी बॉल ऐसे नहीं हुआ है, हर एक बॉल राउंड बाई राउंड हुआ है दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक आपने बने रहे, तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ आपको मैं कौन कौन सा SMD को यूज कर रहा हूँ। देखिए आपको भी एक बार यहाँ पर भी एक बार दिखा देते हैं कि हमारा बॉल जो है किस तरह से बना है बिल्कुल, और आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों को इस वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। ये हमारा एम्पियर है, और हम जो रिबॉलिंग जो है ये हम लोग IC रिमूव करने के लिए लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाला एक SMD है, ये दोनों जो SMD है हम लोग रिबॉलिंग के काम में ये वाला लेते हैं, क्योंकि इसका जो नॉजल है इसको हमने बड़ा लगाया, और छोटा IC काम जो बहुत ही छोटा IC होता है तो वहाँ पर है मशीन और यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। तो इसको हमने सेट कर दिया। तो जो भी हो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो। देखिए वीडियो तो लॉन्ग हो गया लेकिन सीखने का आपको कुछ मिल गया। Thank you for watching.